बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे अपनी बोलते हैं, एंड देन वो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था साउथ अफ्रीका में पर्टिकुलरली, ताकि वालों को उसका मीनिंग सिनोनिम्स नहीं है, बट साउथ अफ्रीका में ये स्ट्रक्चर ये सिस्टम डेवलप किया गया था, इसे बोलते हैं एपार्टेड, विच इज बेस्ड ऑन स्कीम बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अब जो आगे देखना है हमें फिर पैट्रियोटिक लीडर्स को सबको याद किया मंडेला ने। ओके, देन विजडम एंड जनरोसिटी एंड लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके अंदर जो विजडम और जनरोसिटी था वो बहुत ही यूनिक था। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer, truer than the purest diamonds. बोला था, और बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मैं तो आपको बार बार बोलूंगी कि लाइन है बहुत अच्छी लिखी है। इसमें ये बोला है कि मेरा जो कंट्री है वो माना जाता है रिच इन द मैटर ऑफ मिनरल्स जेम्स, मतलब डायमंड्स, उसके लिए फेमस कंट्री साउथ अफ्रीका। बट ये बोला कि जो पीपल है वो डायमंड से ज्यादा प्रेशियस, यहाँ के जो पीपल के अंदर ग्रेटेस्ट वेल्थ है इसके पीपल है साउथ अफ्रीका, वो बहुत ही रेट। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but triumph over it. मैंने बोला था कि वर्ड करेज ये है। करेज क्या है? सिर्फ जीतना नहीं, करेज मीन्स अपने अंदर हिम्मत होना नहीं, करेज उसके आगे का आपका ट्रायंफ ओवर इट, जीतना उसे करेज बोलते हैं। करेज
हेट करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, किसी से झगड़ा करना। प्यार से जुड़ने में कोई एफर्ट नहीं लगता है, तो लव जो है इट कम्स नेचुरली, अपने अंदर नेचुरली आ जाता है, और हेट है उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो क्यों करें ऐसा बोलना चाहते हैं। Even in the greenest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I could see the glimmer of humanity in one of the guards. जब मैं प्रिजन में था तब भी मैंने वो चीज फील किया कि एक गार्ड जो था वो हमारे प्रति थोड़ा काइंड था। तो बोले कि दया मतलब काइंडनेस लव वो चीजें एंड नेचुरल है, उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना है। जो चीजें हेट और अच्छी ना लगने वाली चीजें एंगर हेट वो सारी चीजें डेवलप होती है, लव तो नेचुरल है। चलने के लिए मैं जहां से जा रहा हूँ प्रॉपर वे है, मतलब कि मैं जीत लूंगा सब।